नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाइल्ड बायस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की एक इलाइट स्पेशल फोर्स यूनिट के बारे में, जो कि है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस खुफिया फोर्स के बारे में आपने शायद ही कहीं सुना होगा, और हाल ही में इंडियन चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को लद्दाख बॉर्डर में तैनात भी किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। SSF दी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक इलाइट स्पेशल फोर्स यूनिट है, जिसका मेन काम चाइना के खिलाफ ऑपरेशन चलाना होता है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इंडियन आर्मी का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो काम करती है ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी के लिए। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट के पास वुमेन सोल्जर्स की भी एक खतरनाक टीम है। द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उत्तराखंड के चकराता में स्थित है। SSF कैबिनेट सेक्रेटरीट यानी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। SSF की अपनी खुद की रैंक स्ट्रक्चर, हेलीबॉन और एरियल रिकॉनेसेंस यूनिट है, लेकिन यह इंडियन आर्मी के पैरा SF यानी पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स यूनिट से काफी अलग यूनिट है। दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की हम स्पेशल हथियारों की बात करें तो उनके पास असॉल्ट राइफल में M4A1 कार्बाइन, स्कारेल, टेवर 21 और MPI KMS 72 है, जिन्हें सबसे एडवांस असॉल्ट राइफल माना जाता है। मशीन गन की बात करें तो उनके पास UKVZ 59L और PKM मशीन गन का यूज करते हैं। स्नाइपर राइफल की बात करें तो SFF के पास ट्रगनोव और IWI गैलिल स्नाइपर राइफल का यूज करते हैं। इतना ही नहीं, SFF एडवांस रॉकेट लॉन्चर और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम का भी अपने मिशन में यूज करते हैं। दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की हम हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया चाइना बॉर्डर पर चाइना से मुकाबला करने के लिए CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि US की इंटेलिजेंस एजेंसी है, और साथ में इंडिया की IB इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद से साल 1962 में SSF की स्थापना की गई थी। इस यूनिट को शुरुआत रेस करने के लिए IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इसका चार्ज दिया गया था। शुरुआत में SSF के मेंबर को तिब्बत और गोरखा रीजन वाले एरिया से शामिल किया गया था, क्योंकि इन सोल्जरों की बॉडी स्ट्रक्चर हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। उसके बाद से रॉ को SSF का चार्ज दे दिया गया। SSF को एस्टेब्लिश 22 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के हम किए हुए ऑपरेशन की बात करें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को 1971 के इंडो पार्क वॉर में चटगांव हिल में तैनात किया गया था। उनका मिशन था पाकिस्तान पोजीशन को नष्ट करना और इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने में मदद करना। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ईगल नाम दिया गया था, और इस मिशन में SSF की टोटल 3000 टुकड़ियों को तैनात किया गया था, जिससे इंडियन आर्मी को 1971 की वॉर में विजय हासिल हुई। इतना ही नहीं, गोल्डन टेंपल अमृतसर के अकाल तख्त में भी हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार में भी SSF का उपयोग किया गया था, और ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन विजय कारगिल वॉर में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का भी बड़ा योगदान है। दोस्तों, SSF की हम ट्रेनिंग की बात करें तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की ट्रेनिंग पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्स की तरह लगभग सेम होती है। SSF को एयरबॉर्न इंसर्शन, गुप्त ऑपरेशन, रेकोनेंसिस मिशन, जो कि विशेष रूप से गोरिल्ला वॉरफेयर जैसे स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेंड किया जाता है। SSF की खुद की एयरबॉर्न, हेलीबॉर्न और रेजोनेंस यूनिट है। प्रेजेंट में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ऑपरेशन को क्लासिफाइड और कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, ताकि दुश्मनों तक कोई भी खबर ना पहुंच सके। SSF की इस यूनिट को विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पैरा SF के ऑफिसर्स और सोल्जर्स को भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में डेप्यूटेशन पे भेजा जाता है। SSF का मेन गोल चाइना पे काउंटर एक्शन करना है, जिसमें ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो थी इंडिया की खुफिया स्पेशल फोर्स, जिन्होंने टाइम टाइम पे देश पे आने वाली सभी खतरों से डटकर मुकाबला किया और उसमें जीत भी हासिल की, और हमें उन पर नाज है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे हमारी ऐसी डिफेंस रिलेटेड वीडियो कभी मिस ना हो। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।